किसका कदर झाड़ रहा हूं मैं, इधर रहे रिश्ता झाड़ते। यार आनंद, आज तो सुबह से तुमने सारे शहर की खाक छनवा दी, अब तो टांगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, जी चाहता है इन टांगों को किसी खूंटी पे टांग दूं। हाँ यार, थकावट की वजह से टांगे चुरल 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 कर रही हैं। हाँ यार, आज बहुत ही खार हुए हैं, पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के उठे, एक काम नहीं बना। सुबह सवेरे हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख के उठते, और ये सारी नहुसत इस वजह से है कि सुबह मैंने तुम्हारा मुंह देखा था। तुमने मेरा मुंह कब देखा बेवकूफ कहीं का? क्यों? अबे जिस वक्त मैं सो करके उठा हूँ वो तो तू सो रहा था, ये तेरा मुंह था जो जिसको मैंने देखा और वहां से ये नहुसत छू हुई। अच्छा जी, तो जब मैं सो के उठा हूँ तो उस वक्त मैंने तुम्हारा मुंह देखा, उस वक्त तुमने मुंह पे कोई लोटा तो नहीं रखा हुआ था? अबे यार, नहुसत हमारी शक्लों में नहीं है, नहुसत हमारी किस्मतों में है। हाँ, जब भी हमारे कर्जखा जो है उन्होंने हमारी काफी देर से शक्लें नहीं देखी, हम सुबह सवेरे घर से निकल पड़ते। यार उनको देखे हुए भी पर हर सही हो गया, कर्जखाओं को अच्छे लोग थे। यार वो भी तो हमारी शक्लों को तरसते होंगे, कहते होंगे कि अच्छी शक्लें थी। अबे जब तक वो तरस रहे हैं हमारी शक्लें देखने को, इसी में हमारी खैरियत है। यार अलन, बेटे अलन, बेटे अलन क्या कहा? तू भी तो कहता है ना। मैं कहता हूं तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए तो मैं नहीं कह सकता। मैं भी प्यार से कह रहा हूं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार अलन, मुझे कहीं से भी हो ना तो एक प्याली चाय की मुझे लाकर पिला। क्या है? बस हो गई शुरू बकवास, चाय की प्याली पिलवा। तो डांट क्यों रहा है? मैंने चाय पीने के लिए कहा, कुछ खाने के लिए तो नहीं मांगा कि कुत्ते की तरह खाने को दौड़ रहा है? चाय की प्याली मैंने मांगी है, तेरा खून तो नहीं मैंने मांग लिया? खून तो नहीं मांग लिया? हाँ यार, क्या? अबे बात सुन, अबे एक प्याली चाय की खातिर यहाँ एक प्याली खून का नजराना भी पेश किया जाता है। ये पीछे ये देख, ब्लड बैंक अतिया खून। तो ये लोगों का खून चूस चूस के बैंक बनाया हुआ है? अबे ये वो बैंक नहीं है ना यार जहाँ सरमाया जमा होता है। फिर ये वो बैंक है जहाँ खून जमा होता है। पब्लिक का? और किसका? ये पब्लिक कहाँ से देगी खून? भले जहाँ से दे, जैसे मर्जी होते है, मगर यहाँ तो खून चाहिए और हर वक्त खून चाहिए। Why? क्यों? Explain reason, वजूहात। वजूहात के बच्चे, यहाँ जख्मियों के लिए खून चाहिए। अच्छा। ये जो हर रोज शहरों में 100-150 आदमी रोज के कुचले जाते हैं सड़कों के ऊपर, उनके लिए खून चाहिए। वो जो बसों की रेसें होती हैं एक दूसरे से निकलने के टक्कर में जो पिचक जाती हैं, तो उसमें से सिर्फ लाशें तो नहीं निकलती, उसमें जख्मी भी तो बड़ी कसीर तादाद में निकलते हैं, तो उनके लिए भी खून चाहिए। यार तो फिर हादसों की रोकथाम होनी चाहिए ना जिसमें खून बहता है। अबे रोकथाम के लिए सिर्फ हादसे रह गए तो? और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी रोकथाम हो रही है। नहीं नहीं, मगर वो देखो ना, हादसों में तो खून बहता है। तो खून ना बहता तो यहाँ मुंह मांगे दाम? तो यहाँ खून बेचा और खरीदा भी जाता है? अबे सिर्फ खून? अबे यहाँ तो लोग अब पानी भी साफ करके तो बोतलों में भर के बेच रहे हैं। करें जी, खुदा के वास्ते रहम करें जी। ओ भाई, मैं मर जाऊंगा। तू मुझे माफ कर, मैंने तुझ पर तरस खा के तेरा खून खरीद लिया है कि तू बाल बच्चेदार आदमी है, कल कला को भूखा ना मरे, वरना तेरे खून की कीमत ही क्या है? जा जा जाके शहर से पता कर। मुझे क्या जरूरत है शहर जाने की? मैंने कभी पैसे मांगे हैं आपसे? तो फिर अपने खून पे इतना इतराता क्यों है? वो मैंने तेरे साथ को खूनी मुआहदा किया हुआ है, ये तो जबान की बात है बस। तो मैं जबान से कब फिर आऊंगी? चल ये आप पैसे ना दे। तो फिर तू हफ्ता भर से गायब कहाँ? वो जी मैं तो तुझे पता है कि खून ऐसा माल है जिसकी किसी वक्त भी जरूरत पड़ जा सकती है। आजकल तो आदमी 100 रुपए की खातर एक दूसरे के पेट में छुरा भोंक देते हैं। अगर कोई बस स्टॉप पे लड़की को छेड़े तो मना करने वाले को उसी के खून से नहला दिया जाता है। अगर कोई कत्ल का गवाह पैदा हो जाए तो उस बेचारे को गवाही देने से पहले ही खून का मजा चखा ना। तू कहाँ घूम रहा है? ओ तू कहाँ है? क्या मैंने पहले ही तेरी खातर बड़े गा गवाए? खुदा के वास्ते जी, मालूम का बंदा है कोई? हाँ जी, आराम से बैठो। है तो लेकिन मैं इनका खून नहीं लूंगा। खुदा के वास्ते बांध जाए जी, मैं पैसे नहीं लूंगा जी। बड़ी तगड़ी आसामी है और है भी चंद घंटियों का घंटों का मेहमान और माँ बाप का बिल्कुल अकलौता बेटा। दाम ठीक देता है ना? अबे यार जितने मांगोगे मिलेंगे। तो ठीक है फिर, जाओ ले जाओ। अच्छा आपका खुश रखे, चले जी। हुए 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 यार अलन, यहाँ तो खून का कारोबार हो रहा है। देख ले,
और तू है कि टनों खून बदन में दबाए बैठा है। इसको कहते हैं नाजायज होर्डिंग, समझ रहा है? अबे देख ले यार, इसी पर तो मानना पड़ता है। रिस्क कहां कहां से इंसान हासिल करता है, लोग खून से भी रिस्क हासिल करते हैं। बात करूं ठीक है दादा? नहीं अलन, तू तेरे अंदर खून हैगा जो तू बात करेगा। तूने अगर बात करनी ठेकेदार से तो अपनी चांपों की कर या अपनी ये मछलियों की कर। वो क्या बकवास कर रहा है यार, मैं तेरे खून की बात करता हूँ। नहीं नहीं, क्यों? मैंने खून नहीं बेचना है, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। हाँ किसी को जरूरत हुई तो मैं दे दूंगा मुफ्त। जरूरत होगी मुफ्त दे देगा तो मिलेगा क्या तुझे? एक प्याली चाय की दे देंगे, दो बिस्किट पकड़ा देंगे। अच्छा और क्या? ठेकेदार के जरिए खून बेचोगे तो एक तो रकम तगड़ी मिलेगी और दूसरी ये कि वो चाय भी पिला देगा। चाय भी मिलती है? बस तुमको तो चाय की ही लालच है। अबे पैसे मिलते हैं यार, सिर्फ चाय के ऊपर भाग रहा है तू। ले ये खून दे, क्या रहा? हाँ, वो तो शक्ल से जाहिर हो। जो भाई साहब आपने खून दे दिया? जी जी, डायरेक्ट ही जाके दे दिया। तो चाय पिलाई उन्होंने? जी हाँ। बिस्कुट भी खिलाए? जी। मैं क्या कहता नहीं, ये को वैसे देखे ना कि एक प्याली चाय की और बिस्कुट के लिए अपनी जान पे खेल जाना को अकलमंदी तो नहीं है ना? क्या फरमा रहे हैं आप? नहीं मतलब आपने ये तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सुबह नाश्ता यही करते हैं? हाँ ख्याल है कि मैंने एक प्याली चाय और बिस्किट के लिए खून दे दिया। वो तो और काय के लिए, रकम के लिए दिया? जी नहीं, एक बच्चे को खून की जरूरत थी और खून मिल नहीं रहा था, उसे मेरे ग्रुप का खून चाहिए था। नहीं तो आप तो बच्चे नहीं है ना, तो फिर आपने कैसे दे दिए? तो आपका मतलब है कि खून बच्चे को देने के लिए खुद भी बच्चा होना चाहिए? हाँ। मैं तो बच्चा नहीं हूं। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में आप जरूर बच्चे हैं यार अलन। देखा है अभी तक इस दुनिया में? हाँ। ऐसे खुदा तरस लोग भी मौजूद हैं। हाँ। जबी तो ये दुनिया कायम है। देख ले उस शख्स ने जिंदगी बचाने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। हाँ भाई, वो पेश कर सकता है, खाता पीता आदमी है वो क्यों नहीं पेश करेगा? लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना यार। क्यों? एक तो हमारे पास खून ही कितना है, जो थोड़ा बहुत खून है तो वो दे दिला के अपना सौदा करके तो हम चार छह दिन जिंदा रह सकते हैं। हम कहाँ से मुफ्त खून देंगे, समझ रहे हो ना? अरे बच्चे मैं तुम्हारे लिए खून कर रहा हूं। अलन देख ले, इस अम्मा को भी पकड़ के उन्होंने खून निचोड़ लिया है। क्या हुआ भाई? है? क्या हुआ अम्मा? क्या देखा ना, खून निचोड़ लिया ना इन्होंने। तुझे क्या जरूरत थी इधर आने की? तुझे अगर सहरी करने जाना था तो जनाह गार्डन चली गई। अरे नहीं पुत्र नहीं, मेरे बच्चे को खून की जरूरत है, कहीं से नहीं मिल रहा। मेरे साथ बात कर, छोड़ दे भाई। हाँ मैं पैदा करूंगा खून। कौन सा ग्रुप चाहिए? अरे भाई मुझे क्या पता कौन सा खून मांग रहे हैं। और तुम अपना खून दोगे? भाई मैं अपना खून नहीं बेचा करता, लेकिन मेरे पास हर ग्रुप का बंदोबस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम दूसरों के खून की कमाई खाते हो? नंगा नंगा शेम शेम, नंगा नंगा शेम शेम। अरे बस करो ऐसे भाई, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। क्यों, मेरा मुंह खराब? खैर बात करने दो इनको माई से। हाँ भाई, आपको खून मिल जाएगा, हर किस्म का खून मिल जाएगा, जिस ग्रुप का चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन आपको रकम खर्च करना। हाँ ये तो फिर करना पड़ता। और तुम हटो पीछे, तुम तो व्यापारी हो खून के। आओ अम्मा, मैं तुम्हारे बेटे को खून दूंगा, चलो। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। चलो आओ। वो बात सुनो। हाँ भाई से बात तो कर लो, कार तो ठीक है। बात सुन, इससे अगर बात करनी है तो अपने खून की करना, क्योंकि मैं तो अम्मा को खून मुफ्त दे रहा हूँ। चलो अम्मा एक मिनट, अम्मा मैं जरा इसको दो गालियां दे रहा हूँ। चलो निकल जाए, निकल जाए। क्या कर रहे हो? चलो अम्मा जीते रहो बेटे, जीते रहो। आओ मेरे चाल, डॉक्टर जी। माई तुम्हें कितनी बार कहा है कि तंग मत करो, तुम्हारे बच्चे के खून का ग्रुप हमारे बैंक में नहीं है। तो आप हमारे बैंक से उधार ले लेना। आपके बैंक से? हाँ जी, ये देखे ये चलता फिरता ब्लडी बैंक। ब्लड बैंक? हाँ खूनी। आपके आपके खून का ग्रुप क्या है? शरीफों का ग्रुप है जी, हमारे अंदर तो ईमानदारी और शराफत का ही खून है। आप चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि आपके खून की क्वालिटी क्या है? वही बेस्ट क्वालिटी है, रत्ती भर मिलावट नहीं है, खालस। ठीक है फिर हम टेस्ट कर लेते हैं। है? आप डॉक्टर हैं कि बिल्ली हैं जो खून टेस्ट करेंगे? आप, मैं बता देता हूँ आपको खून का टेस्ट क्या होता है। खून का टेस्ट होता है नमकीन और रंग होता है सुर्ख। आपने खून देने ना, आप चुपचाप इस कुर्सी पे बैठे चले, आइए चले। नर्स, नर्स। यस डॉक्टर। एक चाय दो बिस्किट जल्दी से ले जाओ। आप चुपचाप बैठे रहेंगे। अच्छा इधर की। आए 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 आए
कत्ल कर दिया, आए मार दिया, आए आए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपको। आप इसे ले जाइए और लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करके इसकी रिपोर्ट मुझे दें। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्र अल्लाह का मेरा खून मोल कर कौम के काम आ गया। चले आप जल्दी से चाय और बिस्कुट मंगवा ले ताकि हम पी पिला के फारग होके चले जाए। भाई अभी तो मैंने सिर्फ चंद कतरे टेस्ट के लिए लिए हैं, अभी खून कब लिया है मैंने? अभी खून लेना आपने? मैं तो ये समझा कि शायद आपने खून ले लिया है। अगर खून ले लिया होता तो तुम्हारी ये हालत होती? तो और क्या, मैं पिचक जाता। ओहो, कम से कम कमजोरी तो महसूस होती। अल्लाह कसम कमजोरी मुझे बड़ी महसूस हो रही है, ईमान से बड़ी कमजोरी हो रही है। यानी बगैर खून दिए हुए कमजोरी महसूस हो रही है? एक कतरा खून का आपने बिल्कुल लिया? नहीं, नहीं अलन, मैंने रात से अलग कसम खाया कुछ नहीं है। तुम करना बकवास। बेटे तुम फिक्र न कर, मैं तुम्हें पेट भरकर खाना खिला दूंगी। आपका तंदूर है? हाँ जी, उनका ग्रुप तो ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव है? अम्मा जी हमें तो बहुत अफसोस है, आपके बच्चे को ये इस ग्रुप का खून तो लग ही नहीं सकता। आप प्लीज कहीं और जाके पता कर लीजिए, बाहर ऐसे लोग होते हैं ना। तो आपके बच्चे का ग्रुप कोई और है? हाँ। एक मिनट, एक मिनट, मैं उससे एक मिनट से बात। नहीं 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 अलन, इधर बात सुन बात। हाँ। डॉक्टर साहब आप अलन का खून लेके देखें, शायद सही हो गया हो। किसका खून? तुम्हारा? मेरा खून? नहीं 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 डॉक्टर साहब, मेरा खून सही हो ही नहीं सकता। हाँ, ना ना इसका खून बेकार खून, इसका खून तो जो है किसी काम का नहीं। कर्द खा लेंगे या ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले निकाल। जानता हूँ मैं, ये बहुत कमीना आदमी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? कर रहे हो तुम? इनको बता रहा हूँ बकवास करो। यहाँ पे फजूल बहस की बिल्कुल इजाजत है। आप दोनों ने लड़ना है, बाहर जाके लड़े। चले आपको बात की तो टांड मारेंगे। डॉक्टर साहब जी फरमाइए। फरमाना क्या है जी, खून देने आए हैं, है ना? आप खून का अतिया देना चाहते हैं? हाँ हाँ दे दीजिए ईमान से, हमने भी सुना है कि चाय की प्याली और बिस्कुट भी मिलता है। जी भाई साहब, मैं खून देने नहीं बल्कि खून लेने के लिए आया हूँ। डॉक्टर साहब मेरा एक ही छोटा भाई है, उसे गुंडों ने बड़ी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। क्यों 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 जख्मी कर दिया? बस क्या बताऊँ भाई साहब, ये गुंडे मोहल्ले की बहू बेटियों पे फौश कलमात कसा करते थे। मेरा भाई उन्हें मना किया करता था, आज भी उसने मना किया तो उन जालिमों ने बड़ी बुरी तरह से। कौन सा ग्रुप है आपके भाई का? जी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जी। मैं आपके भाई को खून दूंगा। आप? जब तक शरीफों का खून मर नहीं जाता, गलियों बाजारों में बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आइए डॉक्टर साहब आप चलिए। ये लीजिए आप, जल्दी से इसको ले जाए। लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसकी कीमत तो अदा नहीं, नहीं, नहीं। कीमत अदा करने की कोई जरूरत नहीं, ये खून है, खून तो जिंदगी है, ये खरीदा और बेचा नहीं जाता। आप ले जाइए। डॉक्टर साहब एकदम आंखें बंद? नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल ठीक है। खून धोने से थोड़ी बहुत कमजोरी तो हो ही जाती है। जी जी। यार आंखें खोल, मुझे डर लग रहा है। मेरी आंखें बंद कब? वो बंद है तो मैं कह रहा हूं। नहीं बंद तो पहले थी, अब तो खुल गई है। अब वो सब कुछ साफ शफाफ नजर आ रहा है जो पहले धुंध में लिपटा लिपटा नजर आता था। अलन अपना हाथ मेरे हाथ में दे। मैं जा रहा हूं अलन। क्या कह रहे हो तुम? मैं आखिरी बार तुझे खुदा हाफिज कहना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हुआ? मेरे बाद इज्जत से शरीफों वाली जिंदगी गुजारना। मैं? हाँ। तुझे महसूस नहीं होता अलन? क्या तू बहुत कमीना आदमी? क्या क्या मैं? तू बड़ा जलील इंसान है, है? तू बहुत गुनाहगार है। या खुदा से क्या हो गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हाल है बाप का? डॉक्टर साहब आप हैं, समझा वो शायद कमीना आदमी। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरे एक काम करें। हाँ जी बताएं। ये जो अलन है ना, इसका भी एक बोतल खून ले लें। ठीक है,
अगर वो खून देना नहीं चाहते तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। साहब जबरदस्ती करनी पड़ेगी, वैसे तो रजामंदी से तो वो कमीना किसी के मुंह पे थूकता नहीं। जी देखिए मेरी बात सुने, मैंने कुछ तो चक्कर चला दिया, बस आप मेरी हाँ में हाँ मिलाती जाएंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जिंदगी में एक काम नेकी का वो जरूर करे। अच्छा, प्लीज ठीक है। डॉक्टर साहब ये कुछ अजीब और गरीब बातें कर रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया। आपको पता है इनमें खून की कमी वाकई हो गई है। खून की कमी वाकई हो गई इनको? जी। तो आपने बहुत ज्यादा खून निकाल दिया इनका? जी नहीं, अब इनके जिसमें खून पहुंचाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? आज ब्लड बैंक में होगा आपके? हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, इसका बंदोबस्त आप ही को करना होगा। बाजार से? बाजार से नहीं, आप इनके दोस्त आप इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। क्या क्या मतलब? आप दे दीजिए ना खून इनके लिए। मैं अपना खून दे दूं? बिल्कुल, मैं अपना खून। अच्छा भाई दे दीजिए ना, आपके दोस्त आप अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते। कितना खून लगेगा? भाई एक बोतल तो लगेगी। एक बोतल? क्या हो गया आपको? चलिए ना आप मेरे साथ आइए। चलिए भाई आइए ना, चलिए इधर आ जाइए। अजी अगर मुझे कम पड़, चले ना मुझे कम पड़ गया तो कौन? कुछ नहीं होता आपको। नर्स, बस रोके रोके रोके। क्या हुआ? बस बस बस, इतना खून निकल गया ये तो मर जाएगा। डॉक्टर साहब हमारे पास तो कफन दफन का इंतजाम भी नहीं, तो फिर हम क्या इसको लिफाफे में डाल के दफन करेंगे? कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अरे क्या बक रहा है? बक रहा हूँ मैं। अलन तूने मेरा खून निकलवाया था ना, तो मैंने भी तेरा एक बोतल निकलवा दिया। क्या क्या? ये मेरा खून मुफ्त में जा रहा है? मुफ्त में क्यों जा रहा है, ये तो तेरी नेकियों में लिखा जा रहा है। मैंने सोचा जिंदगी में तू भी तो एक नेकी का काम कर ले। ये तू तो एक्टिंग कर रहा था उस वक्त। और क्या कर रहा था? अब तू ये तो नहीं ना कह सकता केक लगाऊंगा मैं तुम्हें, ये कैसा लगाऊंगा? आए हुई तकलीफ, अब तेरे अंदर खून ही नहीं है, लगाएगा क्या? ले चाय आ गई है, चाय पी। ये तेरी जिंदगी की नेक कमाई, खून पसीने की कमाई का ये चाय की प्याली है। हाँ।